अगला हमारा पार्ट है डाइल्यूटेड ईपीएस का। अब तक हमने एक कंपनी के लिए दो ईपीएस कैलकुलेट किए थे, एक था बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस के हवाले से हम क्लियर रहे कि जो ईपीएस कंपनी का फॉर द ईयर है उसको हम बेसिक ईपीएस कहते हैं, और दूसरा हम ईपीएस रिपोर्ट करते हैं कंपैरेटिव ईपीएस। कंपैरेटिव ईपीएस कैलकुलेट हम किस तरीके से कर रहे थे, जो हमारे लास्ट ईयर का बेसिक ईपीएस था उसको हम डिवाइड कर रहे थे बोनस फ्रैक्शन से, और उसको डिवाइड कर रहे थे राइट्स फ्रैक्शन से। अगर दोनों में से एक है तो एक ही से करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज डाइल्यूटेड ईपीएस। क्योंकि ईपीएस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बहुत ही सीरियस रेशियो है और इसके बेसिस पे कंपनीज की प्राइस वैल्यूएशन की जाती है, प्रूडेंट होके हमें कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस भी रिपोर्ट करना होता है। व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिकली? अगर कंपनी की तरफ से शेयर्स इश्यू करने की कोई कमिटमेंट्स हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर कंपनी की तरफ से कोई कमिटमेंट्स हैं जिन कमिटमेंट्स के तहत कंपनी को फ्यूचर में नए शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, आप अंदाजा दे सकते हैं, कुछ आइडिया है कि कंपनी की तरफ से शेयर इश्यू करने की कमिटमेंट्स क्या हो सकती हैं? ऐसी कोई कमिटमेंट्स जिसके तहत कंपनी को फ्यूचर में नए शेयर्स इश्यू करने पड़े। लाइक हम पहले एक चीज पढ़ चुके हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और प्रेफरेंस शेयर्स, अगर एक कंपनी ने नहीं, मैं हम ये बात नहीं करें कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करे, वी आर टॉकिंग अबाउट अगर कंपनी के ऊपर कोई कमिटमेंट्स हैं जिन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी को फर्दर नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। हाँ अरीज, अगर आपको फ्यूचर में पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप उस वक्त पे नए शेयर इशू करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज, यू कैन नॉट मेक अ कमिटमेंट अर्लियर। लेकिन अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल डेट या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, तो हमें पता होता है कि हमने इन्वेस्टर को चॉइस दी हुई है कि इन्वेस्टर चाहे तो हमसे पैसे ले सकता है, या इन्वेस्टर चाहे तो उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है।
सही। अब ये हमारी कंपनी की तरफ से एक कमिटमेंट की हुई है, हमें देखना है कि जब इस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे तो क्या हमारा ईपीएस कहीं गिर तो नहीं जाएगा। अच्छा, उसके लिए एक बात देखते हैं, आप मुझे बताएं कि जब ये कन्वर्टेबल डेट कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे उन पे क्या फर्क पड़ेगा? यस एनीवन, जब हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे उन पे कोई इंपैक्ट आएगा? अरिज के मुताबिक कोई नहीं आएगा। अच्छा, मैं डिस्कस कर सकता हूं, कहीं मेरा इंटरेस्ट सेव नहीं हो जाएगा? इस साल जो मेरा प्रॉफिट है और अगर मैं उन कन्वर्टेबल्स को कन्वर्ट कर देता हूं इन शेयर्स, तो इस साल मैंने उन कन्वर्टेबल्स का इंटरेस्ट अपने अर्निंग्स में से माइनस किया हुआ होगा, लेकिन जब वो कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या मुझको अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स आपने कहा कि कूपन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में हम चार्ज क्या करते हैं मोइस? कूपन के इफेक्टिव। इफेक्टिव मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरा प्रॉफिट इस साल रिपोर्ट हुआ है क्या मेरा कन्वर्जन होने के बाद का प्रॉफिट भी यही होता? अगर इस साल कन्वर्जन हो जाती थी तो हमारा प्रॉफिट इतना ना होता, हम इसमें एड बैक कर देंगे इंटरेस्ट सेविंग। बेहतरीन, यानी उतना इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा जितना इंटरेस्ट आपने चार्ज किया था। महेश, बात समझ में आ रही है? अच्छा, और इंटरेस्ट की वजह से हमें टैक्स में रिलीफ भी मिलता है। यस अरिच। सर, अगर इंटरेस्ट की अमाउंट मटेरियल होगी तो हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली जाके ठीक नहीं करके आएंगे? अरिज, क्या हमारी तरफ से कोई गलती थी इसमें? नो सर, लेकिन हम उसको अपनी फाइनेंस कॉस्ट दिखाते रहे हैं ना, और एट दी एंड जब हम उसको अपना कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये चीज फॉलो नहीं हुई? नहीं, और उसमें मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, ना तो मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूं और ना ही मैं कोई गलती कर रहा हूं। ये ऐसा हो कि आपके पास एक नॉन करंट एसेट था जिसको आप डेप्रिशिएट करते थे, आपने वो एसेट बेच दिया, अब आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो अगर उसकी डेप्रिसिएशन मटेरियल थी तो क्या मैं पिछले सालों में जाके उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा? नहीं सर, वो तो एट दी एंड अगर डिस्पोज रफ हुई है तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी तो हिट नहीं हुई या कोई भी चीज, वो तो एट दी एंड होनी ही थी। करेक्ट, लेकिन उस वक्त इक्विटी का भी पोर्शन बनना था क्योंकि हमें श्योर नहीं था कि वो आगे जाके इसको कन्वर्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, तभी मैं पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ ओके ओके, लेकिन देखो उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, इस वक्त हालात मुख्तलिफ है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है और उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है
तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट नहीं किया जाएगा कभी भी। ठीक है सर। तैयबा, हाँ ओके, तैयबा कूपन में, सॉरी कंपाउंड में आपको याद है दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है कूपन इंटरेस्ट, एक होता है इंटरेस्ट फॉर नॉन कन्वर्टेबल्स, यानी वो इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा होता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा चार्ज करते हैं? इफेक्टिव वाला, करेक्ट। तो इस साल जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है, उस प्रॉफिट में से कौन सा इंटरेस्ट डिडक्टेड होगा? इफेक्टिव, सही। हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाते तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे अपने प्रॉफिट में उसको एड बैक कर देंगे, सही है। अच्छा, और उसकी वजह से फिर इंटरेस्ट पे हमें टैक्स में रिलीफ भी मिलता है, जब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा तो उस पे अब आपको टैक्स में रिलीफ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारी अर्निंग्स क्या होंगी। सही है, तो ये दो चीजें आ गई। पहला, हमारा जो इंटरेस्ट सेव होगा उससे हमारी अर्निंग्स बढ़ेंगी और जो टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट हमें मिलता था वो रिलीफ अब हमारे हाथ से चला जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखेंगे कि जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई फर्क आएगा? यस अरीज सर, ये जो टैक्स रिलीफ है ऑन इंटरेस्ट, हेलो सर, ये जो टैक्स रिलीफ है ये तो हमें स्टार्टिंग में मिला होगा ना, जब हमने लोन अक्वायर किया था। नहीं 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 कौन सा टैक्स रिलीफ है सर ये? देखिए, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है। जी सर, जब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता है तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ता है, और इस टैक्स में कमी की वजह सही, क्लियर हो गया मोहिश? आपको भी समझ में आ गई बात? यस सर, आ गए। चलो चलो, अच्छा हम रखेंगे, क्या नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई इंपैक्ट होगा जब ये कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज होंगे, गुड। तो एक हमने रखा इस साल के जो भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो ईपीएस में यूज किए गए हैं, इसमें हम प्लस करेंगे वो शेयर्स जो के कन्वर्ट होके आएंगे,
ठीक है, हम इसमें प्लस करेंगे वो शेयर्स जो के कन्वर्ट होके आएंगे। इसमें मैं बात आपको नोट करवा दूं, यू विल हैव टू अज्यूम दैट वर्स्ट डाइल्यूशन विल टेक प्लेस। नहीं, मुझे टाइम अपोर्शन नहीं होंगे। यस करिश्मा सर, अगर हमारे जो कन्वर्टेबल लोन है वो रिडीम होता है मिड ईयर में, तो उस पे हाफ ईयर का तो इंटरेस्ट चार्ज होगा जी, तो हम इसमें से प्रॉफिट में से हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऐड बैक करके और टैक्स भी उतना ही रिलीफ माइनस करेंगे ना? देखो हमें करिश्मा ये देखना है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम 2020 का ईपीएस डाइल्यूट शो करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2020 का जो बेसिक ईपीएस है अगर ये डाइल्यूट होता तो कितना होता। आप ये देखेंगे कि 2020 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कितना चार्ज किया हुआ है, like हम ये हमारा रियली हमारे प्रॉफिट और लॉस में इंपैक्ट नहीं करेगा, हम सिर्फ डाइल्यूशन के लिए ये कैलकुलेट नहीं। Exactly. ये एक्चुअली इंपैक्ट नहीं करेगा, इंपैक्ट देख रहे हैं कि अगर हम रिडीम करेंगे तो हमारी इंपैक्ट क्या आएगा। True that. क्योंकि हमारी तरफ से कमिटमेंट है कि हम आपको शेयर्स में कन्वर्ट करके देंगे, तो जब हम मजीद शेयर्स इशू करेंगे हमारे ईपीएस पे क्या फर्क आ सकता है। ओके सर। अच्छा लेट्स से हम एग्जाम्पल बनाते हैं अपनी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्टेड फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर 2020। मैं इस क्वेश्चन में मैंने 6 महीने वाला पार्ट कवर किया, वो 3.8 मिलियन। अच्छा अब ये प्रॉफिट कब का होगा, 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का। इस साल हमने 1 अप्रैल पे $12 मिलियन रेज किए हैं 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू, जो कि 31 मार्च 2024 पे रिडीम किए जा सकते हैं पार पे। कितने साल की मैच्योरिटी है, 4 years, ठीक है। हमने इन्वेस्टर्स को कहा है कि आप किसी भी ईयर एंड पे इनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी शेयर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 12 शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं पर $100 बॉन्ड। अगर आपने $12 मिलियन रेज किए हैं और एक बॉन्ड $100 का है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 12 मिलियन हमने रेस किए हैं और हर बॉन्ड $100 का है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1,20,000, ठीक है। और हर एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है अगर एक साल बाद करवाया जाए तो, ठीक है।
उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? इज इट 1,440,000? सेट। हमें देखना है कि इन चारों पॉसिबिलिटीज में से कोई भी पॉसिबिलिटी मुमकिन तो है। लेकिन हमने अज्यूम करना है दैट वर्स्ट डाइल्यूशन विल टेक प्लेस। ईपीएस बुरे से बुरा मुंह के बल तब आ गिरेगा जब नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे। तो हम इन चारों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट डाइल्यूटिव अज्यूम करेंगे? ₹2023 वाला। अच्छा, अब मुझे टोटल बता दे जाए। 1440 हो गया 21 में, 1.2 हो गया 2022 में, 23 में कितना होगा नंबर ऑफ शेयर्स? ₹1,680,000। सही। एंड लास्ट ₹156,000। इसमें वर्स्ट डाइल्यूटिव कौन सा है? अच्छा, पहले तो अब आप मुझे इसका डेट और इक्विटी एलिमेंट बताएं प्लीज। ठीक है, आपने कैलकुलेट करके बताना है इस सवाल में कि हमारा डेट एलिमेंट कितना है और इक्विटी एलिमेंट कितना है, और उसके लिए आप 2024 तक जाएंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर, डेट एंड इक्विटी। ओके, सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 26.25 मिलियन। नहीं नहीं नहीं, इक्विटी शेयर्स तो अभी नहीं है शामिल, ये हम अभी एक्चुअल रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं जो हमने अपनी स्टेटमेंट्स में दिखाई होंगी। 26,250,000 शेयर्स, ठीक है। ओके, तो अगर हम कैलकुलेट करें हमारा बेसिक ईपीएस, अर्निंग्स फॉर द ईयर 3.8 मिलियन, तैयब आप कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। हम जो फॉलो करते हैं वो क्या है, 25 मिलियन शेयर्स है। ये कब से कब तक रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स तक ये शेयर्स ऐसे ही रहे हैं। फिर मजीद शेयर्स कितने इशू हुए हैं? 5 मिलियन। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव शेयर्स कितने हो गए? 30 मिलियन शेयर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं। तो अर्निंग्स है हमारी 3.8 मिलियन, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 24, 26.25
25 मिलियन सही है, आप लोग बता रहे 14.48 ठीक है। सेट हो गया, ये है हमारा बेसिक ईपीएस जो हमने रिपोर्ट किया है ऑलरेडी। अब हम देखेंगे कि हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना होगा जब हम अपनी कमिटमेंट पूरी कर लेंगे। पहले हम निकालते हैं अर्निंग्स, इस साल प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया है, $3.8 मिलियन। इसमें एडबैक कर देंगे इस साल कन्वर्टेबल्स की फाइनेंस कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट किए इस साल कन्वर्टेबल्स की फाइनेंस कॉस्ट, $5,23,923 ये मैंने इसमें प्लस कर दिए। करिश्मा व्हाट इज दिस 120,000? सर ये इफेक्टिव वो है, इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट है। हाँ तो इफेक्टिव तो हमने ये कैलकुलेट की थी ना 9% के हिसाब से, 1,047,000। सर 10% के हिसाब से होगी या 10% है ना शायद? 10 यस, ये 10 है ना जो 1,047,000। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आया। फेयर, तो इस साल हमारा इंटरेस्ट इतना बना और टैक्स रेट कितना है 25% इसका 25% हम इसमें से माइनस कर देते हैं, पोस्ट टैक्स हो जाएगा। $1,30,981 ये हो गया हमारा डायरेक्टली। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट तो हमारी अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी अगर ये कन्वर्टेबल्स कन्वर्ट हो जाते तो 4,192,000 942 सही हो गया। दूसरा डायल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स पे अगर हम आ जाए, तो ऑलरेडी हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हैं उसमें हम प्लस कर देंगे डाइल्यूटिव शेयर्स, ऑलरेडी हमने वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया है 26 मिलियन, $250,000 प्लस अगर हम वर्स्ट डाइल्यूशन अज्यूम करें तो ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे,
16,80,000 वो हम इसमें कर देंगे प्लस, नहीं इनको करिश्मा हम टाइम अपोर्शन नहीं करेंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि हम इस साल बीच में शेयर्स इश्यू नहीं कर रहे हैं करिश्मा, ना ही हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जब हमारे ये नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू हो जाएंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ये एक्चुअल टाइम अपोर्शन तब होंगे जब ये शेयर्स एक्चुअली इश्यू होंगे। सर फॉर सपोज हम अगर हमारी जो वर्स्ट डाइल्यूशन है वो 2021 में हो रही हो, सही, तो हमने फॉर सपोज 2021 में अगर होगी तो 6 मंथ्स का इफेक्ट आएगा सिर्फ, वो तो अगर समझ आ रहा है 2023 में तो पूरे 12 मंथ्स का, पर 6 मंथ्स का हो सकता है उसमें भी 6 महीने का आएगा, लेकिन जब आप बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कर रहे होंगे ना जी सर 2021 का, तब आप उसको टाइम अपोर्शन करेंगे प्रॉपर, जिस तरह आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में करते हैं। ठीक है, इट मींस जिसमें हम नहीं करेंगे पूरे 12 मंथ्स उठाएंगे। हाँ, ये हम सिर्फ डाइल्यूशन दिखा रहे हैं कि अगर डाइल्यूट हो जाए तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। ठीक है ठीक है, यस अरीज, ठीक है यस अरीज, सही आपने लिखा था पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जी सर, मतलब हमने हमारा इंटरेस्ट जो हमें देना था वो था जो चार्ज हुआ है वो था 5,23,923। अच्छा, जितने मंथ्स का हम पे फाइनेंस कॉस्ट चार्ज नहीं हुआ उसकी वजह से जो रिलीफ मिला होगा वो करेंगे। नहीं, सिंपली देखो ना, आपने प्रॉफिट लॉस में से 5,23,923 चार्ज किए होंगे जी सर, और उस पे आपको 25% टैक्स में रिलीफ मिला था जी सर, तो वो ही होगा ना। हाँ, तो जो इंटरेस्ट अगर ये डाइल्यूट हो जाता या अगर ये कन्वर्ट हो जाता तो ना इंटरेस्ट लगता ना टैक्स में रिलीफ मिलता जी सर, सही है। तो ये डायरेक्टली पोस्ट टैक्स कर दिया है मैंने, ओके। जो आपकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता। अच्छा, ये पूरा पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट हो गया ना, इसको अगर इससे सेलेक्ट कर देंगे तो। हाँ जी ओके। अच्छा मोहित, हमने इन चारों में से वर्स्ट डाइल्यूशन ली है जो आपके ईपीएस को बुरे से बुरा असर कर सकता है, बुरे से बुरा, तो हमने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं। ये कितना हो गया आप 28 मिलियन, 27,93,000, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, हम उनको मौत दिखा रहे हैं कि अगर हमारा ईपीएस गिरा तो यहां तक आ सकता है 15.01। लेकिन अब एक चीज इसमें देखनी है, अगर आपका डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से बेहतर हो रहा है तो आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। अगर आपका डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से बेहतर है तो आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप सिंपली लिख देंगे दैट ईपीएस इज नॉट डाइल्यूटिव। बात समझ में आई? डाइल्यूटिव मतलब ईपीएस का गिरना,
अगर ईपीएस बेसिक के मुकाबले में नीचे आ रहा है तो ठीक है, हमारी कंपनी की तरफ से किसी किस्म की कोई कमिटमेंट की हुई है जिसके तहत हमें न्यू शेयर्स इश्यू करने पड़ सकते हैं, तो उसका बुरा इंपैक्ट हम अपने शेयर होल्डर्स को पहले से ही दिखा रहे हैं। इससे फायदा अगर होने वाला है तो नहीं दिखाया जाएगा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। और अगर इससे ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है तो हम वक्त से पहले इसको रिपोर्ट कर देते हैं। जी मोइस, ठीक है सर। सर ये जो हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं ये हमारी रियल टाइम फिगर तो नहीं होगी ना कभी भी, हमेशा हाइपोथेटिकल फिगर ही रहेगी। डाइल्यूटेड ईपीएस ना? यस यस। नहीं सर एक्चुअल जो हम कर रहे हैं उसमें भी वो भी रियल टाइम नहीं हो सकती ना। हाँ वो क्यों नहीं रियल हो सकती, वो तो रियल है। यस सर उसमें हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं ना नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ तो क्या हुआ, तो ये रियल टाइम किस होगी? रियल देखो अब प्रॉफिट तो वैसे भी हमेशा बुकिश होता है, कोई डिविडेंड तो होता नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि किस बंदे को कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन जब हम प्रॉफिट पर पार्ट पर शेयर कैलकुलेट करें फिर तो ये रियल है, फिर तो ये रियल टर्म्स है। ठीक है ठीक है। नहीं सर मैं उस वजह से पूछ रहा था क्योंकि हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर उठाए होते हैं, मतलब साल के शुरू में और आखिर के मिलाकर। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से कनेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी भी एक्चुअल इवेंट नहीं होती, उस तरीके से वेटेड एवरेज की वजह से ये भी एक्सपेक्ट एक्चुअल नहीं होगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है क्योंकि ये कोई इवेंट नहीं है, ये हम प्रॉफिट पर पार्टनर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक। हाँ तो इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सही है। यस करिश्मा सर इसका ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लाइक हमारा ईपीएस अगर डाइल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है तो अगर कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो मिस स्टेट होगा इस ईपीएस पे। जी जी जी। और अगर हमारा ईपीएस कम हो रहा होगा तो उसको हम ये अलर्ट करेंगे कि आगे वाले आने दिनों में हमारा ईपीएस कम हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम फायदा नहीं दिखा सकते, हम उसको सब्ज बाग नहीं दिखा सकते। ठीक है ठीक है। यस अरीच सर आपने कहा था कि अगर ये ज्यादा होगा बेसिक ईपीएस है तो जो जस्ट हम राइट करेंगे सर वो क्या राइट था? हम सिर्फ ये लिखेंगे नॉट डाइल्यूटेड। ठीक है हम सिर्फ ये लिख देंगे नॉट डाइल्यूटेड। चले आगे चले आप नेक्स्ट डाइल्यूशन की तरफ। अच्छा इस बात को तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की जगह पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो क्या फर्क पड़ता? तो सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ जो टैक्स रिलीफ वाला पार्ट है वो मिस हो जाएगा, वो हम नहीं रखेंगे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के ऊपर टैक्स रिलीफ नहीं मिलता है। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी होंगी, सिर्फ इतना फर्क होगा कि डिविडेंड के ऊपर टैक्स रिलीफ वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, चले आगे। कंपनी की तरफ से यस मोइस सर ये जो आपने बताया टैक्स रिलीफ ये टैक्स रिलीफ ऑन डिविडेंड विल बी मिसिंग, तो सर इसमें फाइनेंस कॉस्ट वगैरह सब आएगी वैसी?
हाँ बाकी सारी चीजें सेम होंगी, जिस तरह हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते ना, उनको हम इंटरेस्ट का नाम नहीं देते, तो टैक्सेशन अथॉरिटीज प्रेफरेंट डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे रिलीफ नहीं देती ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पे बस हाँ इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब टैक्स टैक्स वाला पार्ट छोड़ देंगे, उसको हम सिर्फ हाँ और सिर्फ ठीक अपने प्लस कर देंगे डिविडेंड, है ठीक है ठीक हाँ उसमें टैक्स रिलीफ नहीं लेंगे। है सर। अच्छा, उसके अलावा एक डाइल्यूशन करता है शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस में जो शेयर की ऑप्शंस के होल्डर्स होते हैं, नॉर्मली ये ऑप्शन कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अब इसको समझिएगा, एक कंपनी जब शेयर ऑप्शंस इश्यू करती है तो वो ऑप्शन होल्डर को ऑप्शन देती है, कि वो हमसे शेयर्स खरीद सकते हैं। और उसकी कीमत आज से तय की जाती है। अच्छा, मैंने लिख लिया है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। मिसाल, हमने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 100 लोगों को शेयर ऑप्शंस दिए हैं, हर बंदे के पास 500 500 शेयर ऑप्शंस हैं। वो आज से 2 साल के बाद, से फॉर इंस्टेंस, $2.50 देकर ये शेयर्स मुझसे खरीद सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। कि हमने 500 शेयर ऑप्शंस सौ बंदों को दिए हैं, यानी वो मुझसे चाहें तो शेयर्स खरीद सकते हैं। कब खरीद सकते हैं, उसका टाइम लेट से मैंने लिख दिया आज से 3 साल बाद, और एक शेयर वो मुझसे खरीद सकते हैं 2.5 का। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? अगर 3 साल के बाद हमारा एक शेयर बिलफर्स $4 का मार्केट में चल रहा हो, तो एम्प्लॉय को वो शेयर ₹2.50 में खरीदने का राइट है। यानी वो शेयर जो मार्केट में ₹4 का चल रहा है, आपका एम्प्लॉय वो शेयर ₹2.50 में खरीद सकता है। अगर आपके शेयर की वैल्यू नीचे आ जाती है, लेट्स से ₹2 हो जाती है, और आपका एम्प्लॉय कहता है कि मैं नहीं ले रहा शेयर्स, तो वो उसकी मर्जी है। हमारी कंपनी ने कमिटमेंट की हुई है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मजीद शेयर्स इश्यू करेगी। अब आपका थोड़ा मजीद फोकस चाहिए होगा। पहली बात, जब ये ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाएंगे,
अगर इस साल ही ये ऑप्शंस एक्सरसाइज हो जाते तो क्या आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा इसका? तो उसकी ट्रीटमेंट में आपको बता दूं, शेयर ऑप्शंस का कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक शेयर इश्यू है। इसका इंपैक्ट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पे पड़ता है। जब ये शेयर्स एक्सरसाइज हो जाएंगे तो आप डेबिट करेंगे कैश, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम। शेयर ऑप्शंस का प्रॉफिट और लॉस पे कोई भी एक्सपेंस शो नहीं किया जाता, सही? तो इस वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? सही, एक्सरसाइज होने की वजह से इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो बेटा आपको पैसे भी तो मिलेंगे। इसमें हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिएगा। लेट्स अज्यूम इस साल हमारे शेयर की एक्चुअल एवरेज प्राइस रही है $4। यस करिश्मा, ठीक है, चले आगे। हाँ सॉरी, वो एयर को करके, ठीक है। अगर हमारे शेयर की वैल्यू मार्केट में चली है $4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको समझना है। हम देखेंगे कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। अगर 100 बंदे हैं और हर बंदा $500 एक्सरसाइज कर सकता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? ठीक है, 125,000। और हर शेयर के ऊपर वो हमें पैसे कितने देगा? $2.5। तो 1,25,000 शेयर्स के पैसे कितने हो गए? अच्छा ओके, 50,000 शेयर्स हैं। और पैसे हो गए 1,25,000। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब बात सुनिएगा। वैसे मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है?
$4 का, तो 1.25 लाख रुपए में कितने शेयर्स मिल सकते थे? नहीं नहीं अरे जिसमें कम राइट एक्स राइट वाला सीन नहीं है। अच्छा तो 1.25 लाख अगर एक शेयर $4 का है तो कंपनी को 31,250 शेयर्स के बराबर पैसे मिल रहे हैं। तो इसमें फ्री शेयर्स कितने होंगे? करेक्ट, 31,250 शेयर्स के पैसों में हम आपको 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, यानी 18,750 मुफ्ते शेयर्स हैं। इन शेयर्स को हम कहते हैं डाइल्यूटिव शेयर्स। से एंटिटी पी हैड टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग ईयर थ्री ऑफ 1,030,000। यस तैयबा सर, जैसे अभी हम लोगों ने डायरेक्ट शेयर से निकाले के मार्केट में वैल्यू ज्यादा थी और हमें कम में मिले हैं, लाइक हमने कम में दिए हैं, सपोज ये 2.5 पे मार्केट में अगर 2 चल रही होगी तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? नहीं होगा, फिर डाइल्यूटिव जीरो हो जाएंगे, उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर हम ऐसे बताएं? नहीं अगर हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको दूर से ही नजर आ रहा है कि जो शेयर की एक्सरसाइजेबल वैल्यू है वो 2.5 है और मार्केट में शेयर 4 का चल रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि ये डाइल्यूटिव है, लेकिन एक एमसीक्यू है मिसाल और उस पे आप पूरी मेहनत करके आखिर में जवाब देंगे कि नॉट डाइल्यूटिव है, तो आप दूर से ही देख सकते हैं कि अगर वो 2.5 से सस्ता मार्केट में चल रहा है तो आप दूर से ही जवाब दे सकते हैं कि ये डाइल्यूटिव नहीं है। अच्छा कंपनी के पास 5 मिलियन ऑर्डरी शेयर्स हैं और 1,030,000 उसकी अर्निंग्स हैं। शेयर ऑप्शंस हैं जिसके तहत कंपनी 4 लाख शेयर्स इश्यू करेगी और इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है 2.5 में। एवरेज इस साल हमारी जो शेयर प्राइस चली है वो चली है $4। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे डाइल्यूटिव शेयर्स कितने हैं? इस क्वेश्चन में हमारे डाइल्यूटिव शेयर्स कितने हैं? कैश हमें कितना मिला है या मिलेगा, सॉरी मिलेगा कितना? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, $1,000,000, सही। और हर शेयर की एवरेज वैल्यू क्या चल रही है? $4। तो हम 2.5 लाख शेयर्स के पैसों में 4 लाख शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है? तो नेट डाइल्यूशन कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख की। आप लोगों ने मुझे यही आंसर दिया था। अच्छा मोहित, आपने पूछा कि क्या बेसिक ईपीएस में इसको प्लस कर देंगे? बिल्कुल, डाइल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए जितने भी आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में आप डाइल्यूटिव शेयर्स को प्लस कर देंगे। तो 5 मिलियन शेयर्स आपके पास वैसे ही हैं और 1.5 लाख शेयर्स डाइल्यूटिव आ गए। यस अरीज। नो सर, इसका क्वेश्चन था कि 1.5 लाख तो ये डाइल्यूटिव है ना,
उससे पहले वाले जो हमने स्पेसिफिक अमाउंट पे जो हमारे इश्यू हो रहे हैं 31250 थे, वो हम वेटेड एवरेज उसका नहीं निकालेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आपको ना पैसे मिले हैं ना आपने शेयर्स दिए हैं, अभी सिर्फ बातें हो रही है फ्यूचर की। ओके, तो हम डाइल्यूटिव वाला हाइपोथेटिकल उठा लेंगे हम, मतलब शेयर्स वो वाले नहीं उठाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, और वो तब की बात है जब वो शेयर्स इश्यू होंगे आज से 2-3 साल बाद, ठीक है। आज हम सिर्फ ये इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि ऐसी कमिटमेंट का हमारे ईपीएस पे क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको? एक नजर ये वाला सवाल भी आप देख लें प्लीज। ईयर फोर में, सॉरी ईयर सिक्स में हमारी अर्निंग्स हैं 4 मिलियन, मुइज ये कन्वर्टेबल का पार्ट है बेटा, ये ऑप्शंस का पार्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त अरीज, इसमें हम कूपन को ही प्रॉफिट लॉस में भेजेंगे। कूपन कितना है? 2 मिलियन का 6%। प्लस टैक्स रेट कितना है? 30%। 1,20,000 का 30% कितना बनेगा? 36,000। तो हम इन अर्निंग्स के अंदर प्लस करेंगे 120,000, 9 मंथ्स है, यस करेक्ट, 9 मंथ्स का सीन है क्योंकि हमने अप्रैल में इश्यू किए हैं। सिक्सटी 3,000 का नेट इम्पैक्ट, तैयब सही है, 90,000 की फाइनेंस कॉस्ट एंड 36,000 के 9 महीने आ गए, सही है। तो 63,000 का डायरेक्ट इम्पैक्ट ले सकते हैं हम। अच्छा नहीं तैयब, ब्रैकेट वाले को आपने फिर 9/12 किया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब इसका सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। चलो बेसिक ईपीएस आपने मुझे बताया 45.36 एंड 40.87, सही है, ये दुरुस्त हुआ। डायल्यूटिव ईपीएस दोनों सालों का कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान देना। डायल्यूटिव ईपीएस हम करंट ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे और कंपैरेटिव का भी कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले साल अगर पूरे साल का इंटरेस्ट उसमें एडबैक किया जाए ईयर 5 का, हमने इश्यू कब किया? ईयर 5 में किया है ना? हाँ ईयर 5 में किया, सही है जी। हरीश बोले,
सर ये 4536 में 63,000 इसने एड बैक नहीं किया, ये टू अप्रैल मतलब 2006 में नहीं हुए, 2005 में हुए। हाँ मैंने अभी वही नोट किया, ऊपर आप देखें हमारी ये जो डेट है ये 1 अप्रैल ईयर 5 है। ओके ओके, मैं इसको 2006 समझ रही थी तभी मैंने तारीख लिखी। मैं भी, क्योंकि मेरे भी वो सामने पार्टिसिपेंट की स्क्रीन थी और चैट बॉक्स था तो मुझे दिखा नहीं, बस ये ऐसे होगा नीचे आएगा। ठीक है, तो हमने ईयर 5 में किया 9 महीने का रिवर्स और ईयर 6 में किया पूरे 12 महीने का रिवर्स। ये आ गई हमारी एडजस्टेड अर्निंग्स, और अब इनको हम नंबर ऑफ शेयर्स में, हम नंबर ऑफ शेयर्स में क्या अज्यूम करेंगे, वर्स्ट डाइल्यूशन। वर्स्ट डाइल्यूशन आपने मुझे बताई थी 5 लाख शेयर्स की, ये एग्जाम्पल वैसे F7 के कद से बहुत ऊंची है, लेकिन हम एक नजर इसको सिर्फ देख लेते हैं कि डाइल्यूशन का इसमें क्या चक्कर है। जो मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रहा तो हम उसको नॉट डाइल्यूटिव शो कर देंगे। एग्जाम्पल ये दे रहा है कि एक कंपनी के पास 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे और इस साल कंपनी ने 1.5 मिलियन के प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। पूरे साल में जो हमारी एवरेज मार्केट प्राइस चल रही है वो चली है 8। हमारी कंपनी के पास पोटेंशियल क्या क्या चीजें हैं, पहला हमारी कंपनी ने इश्यू किए हुए हैं ऑप्शंस, लाख ऑप्शंस हैं जिनकी एक्सरसाइजेबल प्राइस 6 है, और अगर एवरेज मार्केट 8 है तो डाइल्यूटिव शेयर्स कितने होंगे। यस अरीच सर, कैपलान की बुक में तो ऐसा कोई भी डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है जिसमें मिड ईयर में या सारे या तो स्टार्टिंग में हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू, बीच में कहीं पे भी नहीं हुए, कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके ओके, सही है। ये F7 की उसका पार्ट ही नहीं है, ये वैसे SBR लेवल में आता है, उसमें बेसिकली हम उसको टाइम अपोर्शन करते हैं, FR लेवल पे ये सीन नहीं है। सर लेकिन टाइम अपोर्शन हम कैसे करेंगे, मतलब हमने तो अभी वो किया कि डाइल्यूटेड हम पूरे के पूरे लेंगे और वो मतलब जो हमारे वेटेड एवरेज होंगे उसमें ऐड कर देंगे। जी 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 बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा था कि FR लेवल पे हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हैं। FR लेवल में आप इसको अवल तो वो मिड ईयर देता नहीं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और अगर आता भी है तो हम उसको फुल ईयर ही लेते हैं। ठीक है, वैसे जो EPS IAS 33 की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम इसको टाइम अपोर्शन करते हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों को अभी कवर नहीं करवा रहा हूँ। सर सिर्फ डाइल्यूटेड को करते हैं ना। जी 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 ओके, जिस ईयर का हम हाइपोथेटिकल निकाल रहे होते हैं उस ईयर में करते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन F7 में इतना सिनेरियो नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, फ्री शेयर्स कितने हैं, अगर 6 लाख शेयर्स 6 रुपए पे इश्यू होंगे और मार्केट प्राइस है 8 तो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया है 1.5 लाख। सवाल उठेगा कि क्या इन ऑप्शंस की वजह से हमारी अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट आएगा। नो। और क्या हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पे इंपैक्ट आएगा, यस इंक्रीज होंगे। क्या इन ऑप्शंस की वजह से ईपीएस के बढ़ने का कोई इम्कान है, करेक्ट, नो वे, क्योंकि ऑप्शंस की वजह से ईपीएस का न्यूमरेटर तो बढ़ रहा नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर ही बढ़ रहा है, तो शॉर्ट शॉर्ट ये डाइल्यूट ही होगा।
दूसरा, हमारी कंपनी के पास 5 मिलियन के 4% कन्वर्टेबल्स हैं। और हर बॉन्ड 40 न्यू शेयर्स में कन्वर्टेबल है। हम इसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू करेंगे? 2 मिलियन। ऐसा ठीक है। और अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? पांच मिलियन का यस करेक्ट इंक्रीज होंगी। कितने से? 5 मिलियन का 4%। $2 लाख करेक्ट। और टैक्स रेट कितना है? नीचे गिवन है 30%। $60,000। तो नेट इंपैक्ट कितना आएगा? 1,40,000 से। वैसे कन्वर्टेबल्स की वजह से क्या ईपीएस के बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी है? जनरली कन्वर्टेबल्स की वजह से क्या ईपीएस के बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारी अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर हमारी अर्निंग्स ज्यादा अमाउंट से बढ़ गई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस गिरने की बजाय उल्टा बढ़ भी सकता है। चलो तीसरा, $1,007,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ $1 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स में डायल्यूशन कितनी हो सकती है? 5 लाख। इट्स 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स। चलो, और अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अरीज, आपका इंटरेस्ट सेव नहीं होगा? डिविडेंड सेव नहीं होगा? यस, 70,000 से। और इस पे टैक्स का कोई इंपैक्ट? सही, टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब ये तीनों कैलकुलेशंस आपने देख ली, इसके आंसर को देखिएगा। यस अरीज, सर प्रेफरेंस शेयर की वजह से अर्निंग्स में हमारा क्यों फर्क पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आप कहां से लेस करते हैं अरीज? प्रॉफिट में से। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएं तो क्या अभी भी आप डिविडेंड्स देंगे? अच्छा, वो शेयर ऑप्शंस का था। हाँ, वो शेयर ऑप्शंस का था, करेक्ट। अच्छा, अब इसकी देखिए प्रायोरिटी। हमने देखा कि ऑप्शंस की वजह से अर्निंग्स में कोई इंक्रीज नहीं है, और नंबर ऑफ शेयर्स में 1.5 लाख का इजाफा है, तो एक्स्ट्रा अर्निंग्स पर शेयर 0 है। यानी अर्निंग्स में तो टका इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये
फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी ये डेफिनेटली डेफिनेटली ईपीएस को डाइल्यूट करेगा। दूसरा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये अर्निंग्स को कितने से बढ़ा रहे थे ये हमने कैलकुलेट किया, एक लाख 40,000 से, और नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा रहे थे 20 लाख से, तो 1,40,000 से आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं और 20 लाख से आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं। अगर अर्निंग पर एक्स्ट्रा शेयर निकाली जाए तो 0.07 है। तीसरा प्रेफरेंस शेयर, 70,000 से अर्निंग्स बढ़ा रहे हैं और 5 लाख से शेयर्स बढ़ रहे हैं तो अर्निंग पर एक्स्ट्रा शेयर आ रही है 14 सेंट्स। अब हम बारी बारी इनको ईपीएस पे डाइल्यूशन दिखाएंगे। पहला हमारा बेसिक ईपीएस कितना है, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं हमारी अर्निंग्स कितनी है, 15 लाख, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 मिलियन, 1 करोड़, सही। तो हमारा ईपीएस आ गया 15 सेंट्स। एक कदम आगे चलते हैं, पहला कदम हम इसमें ऑप्शंस शामिल करते हैं। ऑप्शंस ने अर्निंग्स में क्या इजाफा किया, कोई नहीं, और नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा किया 1.5 लाख से, तो हमारे अर्निंग्स हो जाएंगी 15 लाख, सेम ही सेम रहेंगी, और नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूटिव हो जाएंगे 1 करोड़ 1.5 लाख। सवाल उठा कि क्या आपका ईपीएस बेसिक ईपीएस से गिरा है, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूटिव। गुड हो गया, अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ने हमारी अर्निंग्स में कितना इजाफा किया, 1,40,000 का, और ऑप्शंस में सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स में कितना इजाफा किया, 20 लाख का। अब हमारे पास वेटेड एवरेज आ गया। आप देखें कि क्या ईपीएस पिछले ईपीएस के मुकाबले में गिरा है, और डाइल्यूट हुआ है। ग्रेट। अच्छा, अब हम तीसरा स्टेप आगे चलते हैं। हम इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं कन्वर्टेबल, इससे हमारी अर्निंग्स में इजाफा हुआ 70,000 और शेयर्स में इजाफा हुआ 5 लाख। क्या आपका ईपीएस मजीद गिरा है, नहीं, ये उल्टा पिछले डाइल्यूशन से बेहतर हो रहा है। तो आप इस आखिरी स्टेप को डाइल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। आखिरी में लिखा हुआ है द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट डाइल्यूटिव एंड द रिपोर्टेड डाइल्यूटेड ईपीएस शुड बी 13.5 सेंट्स, नॉट 13.52 सेंट्स। चलो, यह हो गया हमारा ईपीएस खत्म।